अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले। बहुत स्वीट और इजीली बन जाते हैं ये। ईद के लिए स्पेशली आप बना सकते हैं इनको घर में। इसके लिए हमें डिफरेंट चीजें चाहिए। सबसे पहले हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। इसको हम तब तक रखेंगे जब तक ये अच्छे से बॉईल ना होना शुरू हो जाए। जब तक ये बॉईल होता है हम 3 टेबलस्पून विनेगर लेंगे। पानी में थोड़े से में इसको मिक्स करेंगे। दूध हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे और जो विनेगर हमने पानी में मिक्स किया था वो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। और कंटिन्यूस हिलाते जाएंगे, इससे सारा पनीर जो है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। सारा पनीर अलग होना शुरू हो गया है। इसको आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक ये कम्प्लीटली इसके क्रिस्टल्स बाहर ना आ जाएं। सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैंने सीव ली है और उसको मैंने एक बाउल के ऊपर रखा। इसके ऊपर हमने मलमल का कपड़ा रखा, आप वाइट भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने ये ही यूज किया है। और सारा पानी इसमें अब निकाल देंगे हम और पनीर को अलग कर देंगे। अच्छे से सारा पानी इसका निकाल दें, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। ठंडा पानी हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और सारा जो इसमें विनेगर का खट्टापन था वो निकल जाएगा और फिर से इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। कम्प्लीटली इसका पानी निकल जाएगा तो हम इसको 20 मिनट के लिए या तो हैंग कर दें या साइड पे रख दें, जो इसमें बाकी का पानी है वो भी निकल जाए। हमने 5 कप पानी लिया है पैन में और 1 कप शुगर ली है। इससे हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब हमने इसमें सब्ज़ इलायची 4 डाल देनी है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जो हमारा पनीर था उसका सारा पानी निकल चुका है, अब हम इसको मसलेंगे हथेली की मदद से। ये 7 से 8 मिनट लेगा और बिल्कुल एक डो की शेप में आ जाएगा। 7-8 मिनट मसलने के बाद हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए डो से। सारे बॉल्स रेडी हैं। जो चाशनी हमने बनाई थी उसमें हम इनको पकाएंगे 15 मिनट्स के लिए कवर करके लिड के साथ हाई फ्लेम पे। कवर कर दिया हमने इसको, अब ये 15 मिनट्स के लिए पकेंगे। 15 मिनट्स के बाद इनका साइज इंक्रीज हो गया है और आपने बिल्कुल इसको हल्के हाथों से हिलाना है। 8 मिनट्स तक हम और इनको पकाएंगे। लिड को हटा देना है आपने। इसमें यहाँ छोटी सी एक टिप है कि आप इसको थोड़े से पानी में डाल के चेक करें, अगर आपका रसगुल्ला नीचे रह जाता है तो वो रेडी है, अगर वो ऊपर आ जाता है तो वो फिर अभी तक रेडी नहीं, फिर उसको आप थोड़ी देर और पकाएं। हमारे बहुत ही टेस्टी शुगरी रसगुल्ला रेडी हैं। ईद पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और आप अपनी पिक्स जो हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।